नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बात वक्त की है, बात गिरिराज सिंह की है, बात सुशील मोदी की है और बात आज तारीख 15 नवंबर की है, जब बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी से डिप्टी सीएम की कुर्सी छीन ली है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, कई नाम चल रहे हैं। कहा यह भी जाने लगा है कि सुशील कुमार मोदी दिल्ली रवाना हो सकते हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, उस सीट पर सुशील कुमार मोदी दिल्ली जा सकते हैं और फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह ने सुशील मोदी के ट्वीट के बाद जो कुछ कहा है, सुशील मोदी भी समझ रहे होंगे। वैसे भी बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग सुशील कुमार मोदी और गिरिराज सिंह के रिश्ते को जानते हैं। सुशील कुमार मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, इसे लेकर उन पर तंज भी कसा जाता रहा। और आज जब सुशील कुमार मोदी ने स्वयं ट्वीट कर यह संकेत दिया कि अब वे डिप्टी सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, जो ट्वीट था वह हमने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता देते हैं कि सुशील कुमार मोदी ने एक घंटे पहले ट्वीट किया था कि भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। मतलब सुशील कुमार मोदी ने स्वीकार किया है कि उन्हें बहुत कुछ मिल चुका है, आगे जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करूँगा। मतलब उन्हें आगे जिम्मेवारी मिलने का भरोसा है। अब यह जिम्मेवारी कौन होती है, क्योंकि राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार आज जब राजभवन से निकले तो उन्होंने नीतीश कुमार के नाम पर तो मुहर लगाई ही, नीतीश कुमार तो खैर दावा ही लेकर गए थे, लेकिन जब सुशील कुमार मोदी को लेकर सवाल पूछा गया राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार से, तो उन्होंने कहा कि अभी तय नहीं हुआ है, कुछ घंटे में तय होगा उसका। तो खैर, सुशील मोदी ने यह भी लिखा कि कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता, मतलब वे कुछ भी न रहें बीजेपी के कार्यकर्ता तो रहेंगे। लेकिन इसके बाद ही गिरिराज सिंह ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है, जिसे आप किसी भी भाव में समझ सकते हैं। गिरिराज सिंह लिख रहे हैं, आदरणीय सुशील जी, आप नेता हैं, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था। तो देखिए, गिरिराज सिंह ने कह दिया कि उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, मतलब वो पास्ट में ले गए। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, इसके पहले गिरिराज सिंह ने घोषणा कर दी कि इनके पास था। गिरिराज सिंह लिखते हैं, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे। सुशील मोदी के लिए लिख रहे हैं, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो देखिए, गिरिराज सिंह ने आज सुशील मोदी को यह समझाया है कि आप भाजपा के नेता थे, भाजपा के नेता हैं और रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो दिन क्या होता है, वक्त क्या होता है, सुशील मोदी भी समझ रहे होंगे, उनके मन पर क्या गुजर रहा होगा वह जानते होंगे। वह अपने घर में हैं बिहार में नीतीश कुमार के साथ। सुशील कुमार मोदी ने भी जंगल राज की समाप्ति के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। अब देखिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन होता है, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं, कल शाम को 4:30 बजे शपथ ले रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन हो रहा है इस पर कयास जारी है। कई लोग दो डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार के विधायक हैं और भाजपा विधानमंडल दल के नेता हैं, चुने गए हैं, उनकी बात चल रही है, रेणु देवी की बात भी चल रही है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, चौंकाने वाला नाम हो सकता है। तो यह चौंकाने वाला नाम कौन होगा, यह भी आपको बताएगा लाइव सिटी। सबसे पहले आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।